नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप करेले की के उन्नत खेती किस प्रकार कर सकते हैं जिससे आप लाखों तक रुपए कमा सकते हैं आज हम बताएंगे आपको सरल तरीके से खेती करना जिससे आप करेले की अधिक से अधिक पैदावार पा सकते हैं और इसके लिए हम खेती की पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दोस्त राजेश तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर सुपरल प्लीज़ इस वीडियो को अपना स्किप करें पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं करेले की खेती करने के लिए पहले हमें खेत में जुताई करके खेत में बेड़ बनाने हैं उसके बाद मैं प्रत्येक बेड पर दस फीट की दूरी पर बाँस लगाने हैं। बाँस के ऊपर छ फीट ऊंचाई पर हमें तार व प्लास्टिक के धागे की सहायता से जाल बनाना है बीज की बुआई की दूरी दो फीट होनी चाहिए प्रत्येक बेड पर सूती धागा लगाने हैं जिसकी सहायता से करेले की बेल आसानी से जाल पर चढ़ सके हमें अपने करेले खेत में हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए अब हम मिलते अपने पाँच दिन के अपडेट के साथ ये हमारा करेले का खेत पाँच दिन बाद इतना हरा भरा और घना हो चुका है जब हमारे करेले की बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और घरी हरी भरी और घनी हो जाती है तो हमें इसकी केयर टिप्स के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है हमें इसकी केयर बहुत अच्छी इस तरीके से करनी चाहिए कि इस करेले खेत में हमेशा नमी बनाए रखनी चाहिए और जो करेले खेत में खरपतवार वो आते हैं उसकी हमें समय समय पर नड़ाई गुड़ाई करते रहना चाहिए अब मिलते हैं हमने पाँच दिन के अपडेट के साथ कि हमारा करेले खेत कितना हरा भरा और घना हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों हमारा करेले का खेत कितना हरा भरा और घना हो चुका है और इस पर बहुत सारे पुष्प लगना स्टार्ट हो चुके हैं और इस खेत में छोटे छोटे करेले लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं और जो ये करेले की बेल हैं वो हमारे जाल पर कई ऊंचाई तक चढ़ चुकी हैं और ये आप हमारे खेत में नमी देख पा रहे होंगे ये नमी बारिश के कारण इतनी हो गई है अब हम मिलते हैं अपने दो दिन के अपडेट के बाद हमारा खेत कितना हरा भरा और घना हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों हमारे दो दिन के अपडेट के बाद हमारे करेले के खेत में कितना बदलाव आ गया है और फल भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं अब हम मिलते हैं अपने पाँच दिन के अपडेट के बाद हमारा करेले का खेत कितना हरा भरा और घना हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों हमारे पाँच दिन के अपडेट के बाद हमारे करेले के खेत में कितने सारे करेले आना स्टार्ट हो चुके हैं और थोड़े थोड़े बड़े भी करेले आ रहे हैं अब हम मिलते हैं पूरे दस दिन के अपडेट के बाद हमारा खेत कितना हरा भरा और घना हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों हमारे दस दिन के अपडेट के बाद हमारा करेले का खेत कितना हरा भरा और घना हो चुका है और उस पर कई सारे फल लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने पाँच दिन के अपडेट के बाद हमारा खेत कितना हरा भरा हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों हमारे करेले की खेती तैयार हो चुकी है और इस करेले खेती के चारों ओर आप तोरई भी लगा सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ में इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे और अब हम मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ थैंक यू